जो हमने शुवेज के लिए सेटिंग चेंज कर दी है, यहाँ वाला जो सेंटर टेबल था हमने उठा के वो साइड पे रख दिया ताकि ये वाली थोड़ी जगह ज्यादा खुली हो जाए और शुवेज ने वॉकर चलानी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। अम्मा जी ने हमें बेडशीट गिफ्ट की थी तो वो हम लोगों ने आते ही उसको बिछा लिया था और हम एक दो दिन से इसको यूज कर रहे हैं तो माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त लगी। और दूसरी हमने सेटिंग भी चेंज कर ली, साथ में पहले बेड जो है हमारा उस डायरेक्शन में पड़ा हुआ था तो हमने घुमा के इस साइड पे विंडो पे कर लिया क्योंकि शवेज जो है ना वो थोड़ा इधर विंडो वाली साइड पे रहता है। दूसरा हमारा जो पर्दा ना वो उतर गया था और हमने अभी टेम्परेरी तौर पे ये चादर लगाई है। अभी मैं निकल रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ और वहां से पर्दा लेके आना है और साथ में उसका जो साजो सामान है वो भी लेना है। तो चले शवेज, मैं जा रहा हूँ, आप इंजॉय कर रहे। ओके, ओके, बाय 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 बाय। तो आज हम गाड़ी की बजाय बाइक पे जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बाइक जो है ऐसे ही खड़ी है, उसका कोई और क्या कहते हैं वाली वायरस नहीं, मैंने उसको कुछ साफ वगैरह किया था और आज बाइक पे ही जाऊंगा। उसको स्टार्ट करके देखते हैं कि यह स्टार्ट होती भी है कि नहीं, कि दिनों से ऐसे ही खड़ी है। माशाल्लाह चेक करें पर्दे जो हैं कितने खूबसूरत और डिफरेंट स्टाइल्स में और कम्बिनेशन में मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये एक मशहूर मार्केट है टाउनशिप की जहाँ से पर्दे और काफ़ी इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। फाइनली मुझे ये एक शॉप मिल गई जहाँ पे मुझे मुनासिब प्राइस पे पर्दे मिल गए तो मैंने यहाँ से परचेज़ किए। माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत और प्यारे प्यारे पर्दे हैं और काफ़ी अच्छे कम्बिनेशन के साथ इनके पास मौजूद थे तो मैंने यहाँ से एक कम्बिनेशन सेलेक्ट किया और इनसे ले लिया। तो अभी जो है भाई साहब वो इसके जो रिंग्स वगैरह हैं वो लगा रहे हैं तो ये जल्दी लगा लेते हैं फिर ले कर चलते हैं। अपने पर्दा भी उतार दिया, ये क्या बात होगी, बहुत जल्दी थी आप खुश हो। पर्दा उतार दिया इन्होंने, पहले आने से पहले उतार कर रखा था कि आज पर्दा आने वाला है, कोई चॉइस नहीं थी, आखिरकार पर्दा आ चुका है। अभी जल्दी जल्दी ना इसको लगाती हैं और फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं कि ये कैसा है। चले जी जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। चलो जो है टेम्परेरी तौर पे मैंने पर्दा लगा दिया, अभी परमानेंट नहीं लगा क्योंकि इसका जो सुराख है वो ऐसे नहीं होंगे, वो ड्रिल मशीन से करेंगे तब भी वो उसके अंदर सही से फिक्स होगा। ये है जी पाइप के एंड पे जो वो डिकोर पीसेस लगते हैं, इनको क्या कहते हैं नॉब्स कहते हैं। हाँ, ये पाइप की नॉब्स हैं वो अभी फिलहाल रह गई हैं। ये माशाल्लाह ये भी बहुत ही खूबसूरत, ये 250 की एक नॉब मिली है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह पर्दे जो है ना काफ़ी महंगे हो गए। तो ये है जी कलर कम्बिनेशन, आप लोग देखें ये कलर कम्बिनेशन कैसा है और बाकी काम जो है सुबह करेंगे। तो माशाल्लाह जो इसका जो कलर कम्बिनेशन है वो रूम का जो पेंट है उसके साथ बाई चांस मैच हो गया, जस्ट वैसे देखा और लिया तो ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये मैच हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये नीचे से ये थोड़े लंबे हैं, इनकी नीचे से लेंथ ज़्यादा है, एक्चुअली ये ऊपर होना चाहिए था लेकिन ऊपर जो है हमारा एसी आ गया है तो इसी की वजह से हम पर्दे जो है ऊपर नहीं लगा सकते, वो नीचे ही इधर ही लगेंगे तो जिसकी वजह से इसकी नीचे से लेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा है तो वो हम इसको थोड़ा वो फोल्ड करके इसकी सिलाई कर देंगे तो वो फिट आ जाएंगे। काफी दिनों से शवेज की मम्मा जो है वो जो बार बार कह रही थी कि पर्दा ले आए लगाएं यहाँ पे, इसलिए उन्होंने आने से पहले उतार दिया था ताकि मैं लेके आऊँ। तो फाइनली जो है आज शवेज की मम्मा की जो विश है वो पूरी हो गई है और पर्दा लग चुका है, अब वो जी हैप्पी है। शवेद अपना एंजॉय कर रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दी इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये मलंग बन के बैठे हुए ट्रोजर भी नहीं पहनते, गर्मी बहुत लगने लगी आपको।